हेलो गाइस, तो आज है हमारा लास्ट दिन, लास्ट एग्जाम और सेवेंथ सेमेस्टर का लास्ट डे। विनायक ब्रो भी रेडी ही हो रहे हैं और टाइम हो चुका है 9:50 और एग्जाम है 10 बजे से। बताइए 10 मिनट में कैसे होगा, यहाँ से कॉलेज है 5 किलोमीटर। रिवीजन भी करना है, बताइए भैया को ऐसे कैसे चलेगा भैया। एग्जाम का लास्ट डे और एकदम प्रिपरेशन जीरो, गजब मजा। जैसे जैसे एग्जाम लास्ट में जाता है वैसे वैसे पढ़ाई कम होता जाता है। सतीश ब्रो एकदम हरी, चलो हम जाते हैं। बाय ब्रो, क्या बता रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन सुन सुन, जल्दी पहुंच गया तो क्वेश्चन विनायक ब्रो को, विनायक को छोड़ के जा रहा है सतीश। हाँ बे, अगर हो पाएगा तो क्वेश्चन में सुनो ना, तुम 10 मिनट लेट ही जाओ लेकिन आंसर लेके आना, ठीक है? सुन सुन सुन, ये देखिए अमेज़न वाले भैया इतना लेट से तैयार हो रहे हैं। जा रहे हैं हम लोग लास्ट एग्जाम देने, बहुत मजा आने वाला है लास्ट एग्जाम। और आज हमारा कॉलेज का फोटोशूट भी है तो बहुत मजा आएगा। और आज एग्जाम है 10 बजे से, 2 दिन हो रहा था 2 बजे शाम से, बस आज 10 बजे से। जैसे कि हमारे दोस्तों में मैं और दिव्यांश, सतीश और विनायक रहेंगे और भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं मेरे, वो लोग जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए। तो हम लोग आज लास्ट है, सेवेंथ सेम, लास्ट एग्जाम, लास्ट डे फॉर मी एंड माय फ्रेंड्स। हाँ तो गाइस, एग्जाम खत्म हो चुका है और ये मिले श्वेतांग भाई से, बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं अपने लाइफ में कुछ इंसिडेंट होने के बाद। और ये मिले रविकांत टॉपर से, ऑलरेडी इम्प्रूव, गेट के लिए प्रिपेयर अपीयर हो रहे हैं। और अभी एग्जाम खत्म हो चुका है हम लोग का और हम जा रहे हैं फोटोशूट के लिए, क्योंकि हमारा लास्ट डे है सेवेंथ सेम का, तो आज ऑलमोस्ट सबका खत्म ही होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे फोटोशूट हुआ जा रहा है, गाइज एंड बॉयज। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है सीएसी डिपार्टमेंट का फोटोशूट, इसके बाद होगा हमारा आईटी ब्रांच का। और ये सीएसएफई के बच्चे के साथ, ये मिली है सस्ता अमेजन वाले भैया से, ये मिली है सस्ता एक्सेंचर वाले दीदी से, और ये रवि भैया से मिली है हमारे टॉपर भैया, और ये ऋत्विक सोम पब्लिसिस्ट, और ये वन ऑफ द टॉपर, ये और ये प्रिंस गौरव सीएसई डिपार्टमेंट के, ये हमारे डिपार्टमेंट के नहीं है, और ये संजन भाई मैथ्स टॉपर, सारे टॉपर। क्या कुछ कहना चाहते हैं, बोली? हाँ भाई, क्या बोलो, कैसा लग रहा है 7 सेमेस्टर ऊपर होएगा, 7 सेमेस्टर पास करके कैसा लग रहा है भाई? अभी रिजल्ट नहीं आया भाई, बताओ कैसा लग रहा है 7 सेमेस्टर पास करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। रो रहा है भाई, जा रहा है भाई, ओहो बड़ा दुख, कली घर जा रहे हैं तुम तो भाई, तुम क्या चिल्ला रहे? और ब्लॉगर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है 7 सेमेस्टर पास, एकदम मजा आ गया है। एग्जाम कैसे गए? हरामियों का शकल देख लो गाइस, बहुत मजा आ रहा है मेरे साथ। कॉलेज खत्म, कॉलेज खत्म भाई, भाई मतलब भाई फुल टाइम कैसा लगा कॉलेज में आके? अच्छा लग रहा है। अबे फोन, ये फोन पे वाली मैम है, इनसे मिलिए, फोन पे वाली, फोन पे टेक्स कॉलर, ये तुम भी जा रही है ना लास्ट सेमेस्टर में, ये भी जा रही है, तो इनका भी लास्ट सेमेस्टर है अभी। भाई लोग इंटर्नशिप में कहाँ, ये लोग उदास क्यों, तुम लोग रोने वाले हो क्या? नहीं, रो लो, रो जाओ, डुप्लीकेट है, 100 रुपए काटेंगे तुम्हारा ओवर एक्टिंग का। यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है पांडू बबलू लोरा से, क्या
देखिए ये सारे लोग हमारे बिहार के लोग हैं। ये देखिए ये मिली अनिकेत ब्रो से, क्रिकेटर ब्रो, ये सोप्रा को नाम रोशन करेंगे। ये मिली आलोक ब्रो से, ये भी मेंटर से लेके से वीरमन तक 7 सेमेस्टर क्रॉस कर चुके हैं। ये मिले शिवम ब्रो से, प्रो कोडर। क्या अब तुम क्या कहना चाहते हो 7 सेमेस्टर पास करने के बाद बताओ? कुछ भी नहीं सीखा भाई, कुछ भी नहीं सीखा। देवांश ब्रो तुम क्या कहना चाहते हो 7 सेमेस्टर पास करने के बाद इंजीनियरिंग से कुछ सीखे कि नहीं सीखे? बहुत कुछ सीखे। क्या सीखे? इंजीनियरिंग बहुत कुछ सिखाया। जो हम जब 11-12 के बाद आए थे ऐसा लगता था कि जीवन कुछ और है, लेकिन इंजीनियरिंग बहुत कुछ सिखा गया। नए दोस्त बने, नए और कठिनाइयां आई, लेकिन सारी चीज को पार करके हम बहुत आगे बढ़ गए। मैम एक्सपीरियंस बताइए, हम लोग क्लास लेने का एक्सपीरियंस बताइए। एक्चुअली अच्छा था। ये हमारी मैम है, डेटा विजुलाइजेशन पढ़ाती थी लास्ट 7 सेम में। बताइए मैम, मतलब ये तो हम लोग का लास्ट सेम है, मतलब फिर आपका कैसा रिव्यू रहेगा, मतलब हम लोग के प्रति, हम लोग कैसा स्टूडेंट थे आपके लिए? मेरा पहला स्टूडेंट बैच था, आई एक्चुअली एंजॉयड टीचिंग यू पीपल एंड आई एक्चुअली हैड फन। थैंक यू मैम, ओरिजिनल व्यू आ गया है। कंटेंट भाई कंटेंट, ये भैया देखिए लास्ट सेमेस्टर रोने लग गए हैं भैया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है, पूछ दिया था। कोई बात नहीं, टू का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, तुम नहीं रोएगा भाई, रोना नहीं जा रहा है। रो लो भाई, ये भैया बताओ 2 तारीख को ही जा रहे हैं, बताओ रो नहीं रहे हैं, ऐसे कैसे लोग रोना चाहिए? नॉन वेज भी नहीं मिलेगा वहाँ, मिलता है पर दिक्कत होता है।